দেও জো পিএসসি মা হোকে বাবা দিন রাত পড়না হে মজা বো ধমাল কাম কর লে থসরে টেনশন আরে কাম কর লে থসরে টেনশন জব অফসর বনকে তে ঘর পে ধমাল ये कैसे होगा सर कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल के लैंग्वेज मंत्र में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अव्यय भाग एक, जिसके अंतर्गत हमने कुछ एमसीक्यू के माध्यम से हमने अव्यय या अविकारी शब्द को जाना था। आज उसी के दूसरे पार्ट में यानी कि आज के लैंग्वेज मंत्र के अव्यय भाग दो के अंतर्गत हम संयोजक शब्द जिसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, जिसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विस्मयादि बोधक अव्यय को। यानी कि पहले पार्ट में ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारे टॉपिक कवर किए गए थे, परंतु आज की इस विशेष रूप से भाग दो के अंतर्गत हम इनको बहुत डेप्थ में जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात कि ये अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं, अब सभी को पता है कि थोड़ा सा रिपीटेशन में जाते हैं कि वो शब्द जो वचन लिंग काल और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, ऐसे शब्द को विकारी शब्द पद कहा जाता है, जो चार प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसको विकार कौन उत्पन्न करता है? वचन लिंग काल और कारक रचनाएं। इनके प्रभाव से अगर किसी भी प्रकार का कोई भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता तो ऐसे शब्द जिनका व्यय नहीं होता उन्हें अव्यय कहा जाता है, जिनका विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहा जाता है, जो चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द को डेक्लिनेबल वर्ड्स कहा जाता है और अविकारी शब्द को इनडेक्लिनेबल वर्ड्स कहा जाता है। इस अव्यय या अविकारी शब्द में क्रिया की विशेषता बताता है, वो है क्रिया विशेषण, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से जान लिया था कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण आपके समय सूचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक होते हैं। रचना के आधार पर आपके तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और स्थानीय, और प्रयोग के आधार पर भी आपके साधारण क्रिया विशेषण होते हैं, उसी प्रकार संयोजक क्रिया विशेषण होते हैं और एक होते हैं आपके अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में यदि आपको जानकारी लेनी है तो जो आई बटन होगा उसको क्लिक करेंगे तो वहां एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में अगर आप जाते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर आपको वहां मिलेंगे, जहां आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज अव्यय भाग दो के अंतर्गत हम समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे हम कंजक्शन वर्ड्स कहते हैं, यानी कि दो शब्द पदों को, वाक्यांशों को जोड़ने वाला शब्द हमारे लिए संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय होता है। संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आकर दूसरे पदों से जो संबंध बताता है उसे संबंध बोधक कहते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन। और तीसरा आज आप पढ़ने वाले हैं विस्मयादि बोधक, वक्ता के मनोभाव और विस्मय संबंधी बातों का उल्लेख हो तो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। इन्हीं के अंतर्गत कुछ और क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकते हैं, जैसे कि निपात वाले हो सकते हैं, तो इन सारी चीजों को आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? सबसे पहला प्रश्न कहता है चाहिए, निम्नलिखित में से, चाहिए निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? क्या ये अव्यय शब्द है, क्या ये उपसर्ग है, क्या ये प्रत्यय है, क्या ये विशेषण है? तो सबसे पहली बात कि उपसर्ग क्या होता है, किसी भी धातु शब्द के पहले जुड़कर उसमें एक नयापन, एक विकार या एक रूपांतर उत्पन्न करने वाले को उपसर्ग कहते हैं, जो प्रीफिक्स कहलाता है। प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ने वाले को प्रत्यय कहा जाता है, जो सफिक्स कहलाता है। और विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, लेकिन
चाहिए एक ऐसा शब्द है जो एक अव्यय या अविकारी शब्द है। क्यों है ये अव्यय या अविकारी शब्द? क्योंकि इस पर न तो वचन के अनुसार, न लिंग के अनुसार, न पुरुष के अनुसार कोई भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए अगर एक लड़की कहे तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए, इसमें ये जो चाहिए शब्द है इस पर वचन का, लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए चाहिए शब्द एक अव्यय शब्द की श्रेणी में आता है। और ये सीजी व्यापम में आपका पूछा गया प्रश्न है। कुछ लेक्चर के माध्यम से मैं पुराने प्रश्न पत्र के प्रश्नों को भी यहाँ पर हल करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अगले वीडियो से कोशिश करूंगी कि मैं इसमें कुछ नए प्रश्न जो है वो और जोड़ते हुए आपको समझाऊं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? जिस पर बल देना हो उस शब्द के ठीक बाद क्या प्रयोग होता है? क्या निषेधवाची प्रयोग होता है, क्या संबोधन प्रयोग होता है, कि विस्मय आदि बोधक का प्रयोग होता है, कि निपात का प्रयोग होता है? ये सीजी व्यापम 2013 का प्रश्न है, 10 साल पहले का प्रश्न है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो वाक्य में कहीं भी गिर पड़े, वाक्य में शब्द पर एक विशेष प्रकार का बल या प्रभाव देने के लिए जब किसी शब्द को लगाया जाता है जिसकी वजह से उस शब्द पर या उस वाक्य पर बल पड़ता है तो उसे निपात शब्द कहा जाता है। तो जिस पर बल देना होता है उस शब्द के ठीक बाद हम निपात शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे इतना ही बचा है, अब ही जाओ अगर कहते हैं तो इतना शब्द पर बल लगाना है। कितना बचा है? इतना ही बचा है। कब जाना है? अब ही जाना है। मैं भी जाऊंगा, है ना, यहां तक वहां तक अगर कहते हैं तो शब्द में जहां पर बल लगाना हो तो निपात शब्द का प्रयोग ठीक उस शब्द के बाद में प्रयोग किया जाता है। मुझे आइसक्रीम ही खानी है, वो भी वनीला वाली, ठीक है, अब ही लेकर आओ। तो जहां किसी शब्द पर बल लगाना हो उसका तुरंत बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं? निपात का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वह आजकल दिल्ली में है, वह आजकल दिल्ली में है, रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द है आजकल, ठीक है। तो वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? 2014 का प्रश्न है। क्या इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग है, क्या इसमें अव्यय का प्रयोग है, क्या सर्वनाम का प्रयोग है, या क्रिया का प्रयोग है, ठीक है। अब देखिए, दिल्ली में है, एट प्रेजेंट वो दिल्ली में है, लेकिन कैसा बता रहा है? आजकल, नाउ अ डेज, मतलब कि इन दिनों या आजकल, मतलब ये किसका प्रयोग कर रहा है? क्रिया विशेषण का। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाला। दिल्ली में है लेकिन समय बता रहा है, कहाँ है दिल्ली में? आजकल वह दिल्ली में है। तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, अगर देखने वाली बात होगी तो यहाँ अव्यय शब्द का भी प्रयोग है, तो ऑप्शन लिया जा सकता है। अगर ये ऑप्शन कहता कि क्रिया विशेषण है या अव्यय है, अब अगर यहाँ पर ये ऑप्शन कह दे कि ए और बी दोनों, ऐसी सिचुएशन में हम किसको आंसर लेंगे बेटा? ऑप्शन नंबर डी को लेंगे। लेकिन ध्यान से समझिएगा, वह आजकल दिल्ली में है क्रिया विशेषण का उदाहरण है और क्रिया विशेषण को ही अव्यय कहा जाता है। लेकिन जब तक आपको ऑप्शन में ए और बी दोनों नहीं दिया है तो क्रिया विशेषण में निशान लगाइएगा, क्योंकि क्रिया विशेषण का ही ये उदाहरण है। और अव्यय कह देने से इसमें चार अव्यय में से कोई भी हो सकता है, परंतु स्पेशली किसका आंसर है? ये एडवर्ब का आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया, प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्या यह क्रिया विशेषण है, क्या यह कर्ता है, क्या कारक है, या निपात है? अब निपात क्या होते हैं आप सभी को पता है, वाक्य में या शब्द पर विशेष प्रभाव या बल प्रदान करने के लिए जिस शब्द को रख दिया जाता है उसे निपात शब्द कहा जाता है। यहां कह रहा है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब यहां पर देखिए, बल लगाया जा रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब बल लगाने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए सीजी व्यापम 2014 के इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निपात शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है, ठीक है। क्योंकि क्रिया विशेषण नहीं है, क्योंकि क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा, न ही इसमें कारक रचना का प्रयोग पूछ रहा है, न ही यह कर्ता पर आधारित, ठीक है। तो कर्ता पर है परंतु बल देने के लिए तो शब्द का प्रयोग निपात का प्रयोग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नवाचक अव्यय न
प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के किस भाग में प्रयोग किया जाता है? क्या वाक्य के आरंभ में प्रयोग होता है, क्या वाक्य के अंत में प्रयोग होता है, क्या वाक्य के मध्य में प्रयोग होता है, कि उपयुक्त तीनों में? जब कभी हम निपात शब्द में प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं, अब देखिए ये जो निपात शब्द होते हैं ना, ये भी एक प्रकार से अव्यय की तरह ही होते हैं। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि अव्यय शब्द का अर्थ होता है क्रिया की विशेषता बताने वाला, शब्द पद और वाक्यांशों को जोड़ने वाला, संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने वाला, मनोभावों को विस्तृत करने वाला। लेकिन निपात शब्द एक अव्यय शब्द होकर भी इसका कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरी बात, इसका प्रयोग वाक्य पर बल लगाने मात्र के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जब हम प्रश्न सूचक एक निपात का प्रयोग करते हैं, तो निपात शब्द के अलग अलग प्रभाव होते हैं। हम निपात शब्द के प्रयोग में स्वीकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, अवधारणा बोधक, स्वीकारोक्ति, ऐसे कुछ विशेष प्रभाव वाले शब्द का प्रयोग जो है वो करते हैं। जब प्रश्न पूछा जाता है, तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो एक शब्द प्रयोग होता है ना। ये प्रश्नवाचक निपात ना का प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं। जैसे कि आप जाएंगे ना, आप कहेंगे ना, आप खाएंगे ना, तो ऐसे प्रयोग में हम ना का प्रयोग जो है वाक्य के अंत में करते हैं। लेकिन अगर यही प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्या आप जाएंगे, आप जाएंगे क्या, तो ये प्रयोग जो है क्या, कौन, किसे, किसने, ये वाक्य के कभी प्रारंभ में, कभी मध्य में, कभी अंत में होता है। लेकिन जब हम न शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह वाक्य के अंत में किया जाता है। आप जाएंगे ना, मतलब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हम बल भी लगा रहे हैं। आप जाएंगे ना, आप खाएंगे ना, आप सुनेंगे ना, इस तरह के कर हम वहां पर एक बल का प्रयोग जो है वो करते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वह चुपके से उठा और झट से चला गया, इस वाक्य में सही क्रिया विशेषण क्या होगा? क्या यह मूल क्रिया विशेषण है, क्या यह संयुक्त क्रिया विशेषण है, या अनुबद्ध क्रिया विशेषण है, या यौगिक क्रिया विशेषण है? अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात कि मूल क्रिया विशेषण क्या होता है। मूल क्रिया विशेषण का मतलब होता है ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो अपने मौलिक रूप में होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि अब, तब, जब, कब, सदा, हमेशा, नित्य, लगातार, ये समय सूचक क्रिया विशेषण है। यहां, वहां, जहां, तहां, कहां, ये स्थान वाचक है। इतना, उतना, जितना, कितना, ये हमारे लिए आपका परिमाण वाचक है। और इसी प्रकार ऐसा, वैसा, जैसा, तैसा, कैसा, कहता है, तो ये हमारे लिए वाचक है। कुल मिलाकर ऐसे क्रिया विशेषण जो अपने मौलिक रूप में प्रयोग होते हैं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं, मैं इधर की ओर मुड़ गया, ठीक है, मैं इतना ही खाना खाऊंगा, ये अपने मौलिक रूप में होते हैं, इसलिए इसे मूल क्रिया विशेषण का शब्द कहेंगे। दूसरा होता है संयुक्त क्रिया विशेषण। संयुक्त क्रिया विशेषण क्या होता है, जब हम क्रिया विशेषण के शब्दों को मिला देते हैं तब संयुक्त हो जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो शब्दों को मिलाकर हम उनका संयुक्तीकरण करते हैं। जब हम उनको संयुक्त कर रहे होते हैं तो कभी संज्ञा शब्द के साथ में, कभी सर्वनामिक शब्द के साथ में हम कुछ प्रत्यय शब्द को जोड़ते हैं। जैसे कि यह से ऐसा, वह से वैसा हो जाता है। इसी प्रकार अब देखा जाए तो अब से हम अभी बना देते हैं, तब से तभी बना देते हैं, यानी कि हम संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति भी कर देते, घड़ी घड़ी, पल पल, क्षण क्षण कह देते हैं। सर्वनामिक शब्द को परिवर्तन कर देते हैं, अब से ऐसा हो जाता है, यहां से आपका इधर हो जाता है। इसके अलावा हम विशेषण चुपके से, झट से, है ना, तत्काल, फौरन से, और इसके अतिरिक्त हम क्रिया शब्द को भी मिला देते हैं, जैसे कि धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, है ना, फटाफट, तड़ातड़ कहते हैं, तो हम क्रिया विशेषण के शब्द को भी मिलाकर वहां पर संयुक्तीकरण का निर्माण जो है वो करने लगते हैं। अनुबद्ध क्रिया विशेषण क्या होता है, तो जब किसी निश्चित अवधारणा के लिए इसको बांध दिया जाता है तो अनुबद्ध क्रिया विशेषण, उसने मुझे देखा तक नहीं, मैं यहां से वहां तक चला गया कहते हैं, है ना, तो यहां पर हमारे अनुबद्ध किसी निश्चित अवधारणा के लिए बन जाता है। लेकिन यौगिक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण ही संयुक्त क्रिया विशेषण है। जब हम किसी शब्द को मिलाते हैं तब एक संयुक्तीकरण और यौगिक का इस्तेमाल जो है वो होता है। यानी कि अगर देख रहे तो अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है, क्रिया शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है, संज्ञा शब्द से, सर्वनामिक शब्द से, विशेषण से। इस प्रकार जब हम किसी शब्द के बीच में न लगाते हैं तो भी हम एक
एक क्रिया विशेषण शब्द का निर्माण जो है वो करते हैं। तो प्रश्न ने क्या पूछा, वह चुपके से उठा और झट से चला गया। इस वाक्य में सही क्रिया विशेषण क्या है, यह अपने मूल रूप में तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर किसी निश्चित अवधारणा का भी प्रयोग नहीं है। यहाँ पर हमारे लिए आपके विशेषण का निर्माण है जो हमारे लिए यौगिक क्रिया विशेषण कहलाएगा। मतलब अगर हम चुपके से कह रहे हैं तो विशेषण के शब्द के साथ में प्रत्यय को जोड़कर यौगिक कर दिया गया और इसके प्रयोग से एक क्रिया विशेषण का इस्तेमाल जो है देखने को मिलता है। कैसे उठा, चुपके से उठा, और कैसे चला गया, झट से चला गया। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण का यौगिक रूप जो है वो देखने को मिलता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों में स्थानीय क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, हिंदी की पुस्तकें धड़ाधड़ बिकती हैं, उसने ऐसा अनजाने ही किया होगा, तुम फिर आओगे। अब सबसे पहली बात कि स्थानीय क्रिया विशेषण क्या होते हैं, मैं बार बार बता दूं कि रचना के आधार पर क्रिया विशेषण जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे रूढ़ यानी कि ऐसे क्रिया विशेषण जो अपने मौलिक या रूढ़ स्वरूप में होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे रूढ़ क्रिया विशेषण या मौलिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जब दो शब्दों को या हम किसी संज्ञा शब्द की द्विरूपति, सर्वनामिक शब्द के परिवर्तन, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय शब्द के प्रयोग से या किसी शब्द को मिलाकर जब उसका इस्तेमाल बनाते हैं तब हमारे लिए वह यौगिक क्रिया विशेषण बनता है। और तीसरा होता है स्थानीय क्रिया विशेषण। और यह स्थानीय क्या होते हैं, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम का शब्द किसी क्रिया से पहले रख दिया जाता है जिसकी वजह से स्थान के अनुसार वह क्रिया की विशेषता बताने वाला हो जाता है, तब उसे स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा वाक्य है जिसमें स्थानीय क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे। अब पत्थर जो है एक संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द को क्रिया के पहले लगा दिया गया जिसकी वजह से यह क्रिया के पहले लगकर एज अ एडवर्ब वर्क करने लगा है, इसलिए इसे स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जाएगा। तो हिंदी की पुस्तकें धड़ाधड़ बिकती है कहते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स हो गया, इसलिए नहीं है। अनजाने ही किया होगा कहता है तो यहां पर भी हमारे लिए आपका ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तुम फिर आओगे कहता है तो भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन अगर कहता है तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, तुम मेरा सिर खाक खुजलाओगे, या कह सकते हैं तुम मेरी मदद खाक करोगे कहते हैं, तो वहां पर हमारे लिए स्थानीय क्रिया विशेषण का उदाहरण बनेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। वे लोग ठीक ठाक पहुंच गए, मैं झट से चला गया, अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है, वह कहां गया होगा। इसमें से क्रिया विशेषण का सही प्रयोग क्या है, ठीक है। तो वे लोग ठीक ठाक पहुंच गए, अब ये ठीक ठाक कह रहा है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स है मतलब सही है। मैं झट से चला गया कहता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स है, ये भी सही है। कहां गया होगा कह रहा है तो प्रश्न सूचक रीति है, ये भी सही है। लेकिन विचार पूर्वक से कोई नहीं रहता, अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है कह रही है, तो यहां पर विचार पूर्वक जो शब्द है वह रहने का प्रभाव नहीं बताता है, इसलिए क्रिया विशेषण का प्रयोग यहाँ ऑप्शन नंबर सी में गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है, क्या ये पदबंध का प्रयोग है, क्या ये समस्त पद है, कि विशेषण उपवाक्य है, कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो देखने वाली बात है कि जो क्रिया विशेषण होते हैं, ये क्रिया विशेषण जो होते हैं प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा साधारण क्रिया विशेषण का प्रयोग, ठीक है। एक होता है हमारे लिए अनुबद्ध क्रिया विशेषण का प्रयोग, ठीक है। और एक होता है हमारे लिए संयोजक क्रिया विशेषण का प्रयोग, ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात, साधारण क्रिया विशेषण क्या है, ऐसा क्रिया विशेषण का शब्द जो साधारण तौर पर से क्रिया की विशेषता बताने का काम करता है, इसलिए उसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं।
और दूसरा होता है हमारे लिए आपका अनुबद्ध। अनुबद्ध का मतलब है किसी निश्चित अवधारणा के लिए अगर कोई शब्द बांध दिया जाता है क्रिया विशेषण का, तो अनुबद्ध क्रिया विशेषण होते हैं। लेकिन जब हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं, यानी कि जब हमारे द्वारा मिश्र वाक्य का प्रयोग किया जाता है, तो शब्द पदों को नहीं बल्कि दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए जब क्रिया विशेषण के प्रयोग बनते हैं, तब उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, जब पानी बरसता है तो जब और तब कहता है, तो एडवर्ब ऑफ आपका टाइम है, मतलब कि समय सूचक क्रिया विशेषण है। यानी कि देखने वाली बात है कि जब कोई क्रिया विशेषण का शब्द किसी वाक्यांशों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, तब वह उपवाक्य को जोड़ने का प्रयोग कर रहा है। इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य की तरह, जब एक क्रिया विशेषण का शब्द दूसरे वाक्य को क्रिया विशेषण से जोड़ता है, तो यहां पर हमारे लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग जो है उपवाक्य के तौर पर किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण निम्न में से किस वाक्य में है? शिक्षक गण अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे, संस्था प्रमुख बैठक में थे, मध्यम गति से बाजा बज रहा था। अब एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या होता है? किसी भी कार्य को करने का तरीका, ढंग, कायदा, रीति, जो परंपरा है जिससे कार्य को किया जाता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ नियम होते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो हम प्रकार, इसी प्रकार निश्चय अनिश्चय, उसी प्रकार हम देखते हैं निषेधात्मक, इसी प्रकार देखते हैं कारण, स्वीकारोक्ति देखते हैं, अवधारणा बोधक देखते हैं। तो ऐसा, वैसा, जैसा, तैसा, कैसा, ध्यान से, प्यार से, शीघ्रता से, धीरे धीरे, हौले हौले, फटाफट, तुरंत, श्रद्धा भक्तपूर्वक, इसी प्रकार हम कह सकते हैं यथाशक्ति, यथाभक्ति, यथाविधि कह सकते हैं। इसी तरह देखा जाए तो ना, नहीं, क्यों, किस लिए, है ना, ये सारे जो रीति है कार्य करने का तरीका होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन से वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग सही है। तो शिक्षक गण अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, बिल्कुल प्रयोग नहीं है। बच्चे खेल रहे थे, नहीं है। संस्था प्रमुख बैठक में थे, नहीं। पर गति से बाजा बज रहा है, कैसा बज रहा है? मध्यम गति से। तो बाजा कैसा बज रहा है? मध्यम गति से। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका आएगा इसमें डी। अगले क्वेश्चन की ओर। रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य इसका उदाहरण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि परिमाण बोधक विशेषण है? अब देखने वाली बात है कि रीति नहीं है, बहुत बोलती है कह रहे हैं। कैसे बोलती है? तो मात्रा बता रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारे लिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्यों नहीं है? ऐसा, वैसा, जैसा, तैसा, ध्यान से, प्रेम से, शीघ्रतापूर्वक, तरीका होता है। लेकिन इतना, उतना, जितना, कितना, थोड़ा, कम, ज्यादा, लगभग, इसी प्रकार हम कह सकते हैं, जरा, तनिक कह सकते हैं, अधिकतम, न्यूनतम कह सकते हैं, ये सब हमारे लिए काफी, इतना, बस, पर्याप्त कहते हैं। ये मात्रा होती है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो कितना बोलती है वो? बहुत बोलती है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर। तुम अपना कर्जा थोड़ा थोड़ा करके चुका सकते हो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? क्या संयुक्त क्रिया विशेषण है, कि रीतिवाचक है, कि परिमाणवाचक है, कि स्थानीय क्रिया विशेषण है? अब कर्जा चुकाना है, मात्रा कितनी होगी उसकी? थोड़ी थोड़ी। इसलिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा देश वैसा भेष, वह जैसा वहां रहता है वैसा यहां रहेगा, ईश्वर आपके जैसे पुत्र सबको दे, इन सभी वाक्यों में जैसा शब्द का प्रयोग किसके अनुसार किया गया है? देखिए कितने सारे टॉपिक इसमें ऐड किया है। ठीक है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा देश वैसा भेष, वह जैसा वहां रहता है वैसे यहां रहेगा, ईश्वर आपके जैसे पुत्र सबको दे, सभी वाक्य में जैसा शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? क्या यह सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक के रूप में इस्तेमाल हुआ? क्या ये विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और सर्वनाम के तौर पर इस्तेमाल हुआ? क्या ये क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, सर्वनाम और विशेषण के तौर पर हुआ? क्या ये संबंध सूचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण है? देखने वाली बात, हम सेंटेंस को, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये हमारे लिए सबसे पहला लाइन है जो सर्वनाम का है,
ऐसा वैसा जैसा तैसा कह रहे हैं, तो जहां एक सर्वनामी शब्द से दूसरे सर्वनाम का संबंध बताया जाए तो वहां संबंध बोधक सर्वनाम होते हैं, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ आपका सर्वनाम का प्रयोग है। दूसरा सेंटेंस, जैसा देश वैसा भेष, यानी कि यहाँ पर विशेषण का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, कि जैसा देश होगा वैसे वहां का भेष होगा, वह जैसा वहां रहता है वैसा यहाँ रहेगा। अब रहने की विशेषता है कि कैसा रहेगा, जैसा वहां रहता है, तो क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण है। ईश्वर आपके जैसा पुत्र सबको दे, तो किसके जैसा, आपके जैसा, मतलब कि संबंध बोधक। कुल मिलाकर अगर देखा जाए इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुम बालोद जाओ किस प्रकार का उपवाक्य है। अब आप कहेंगे कि उपवाक्य यहां से कहां प्रश्न में पूछ रहा है, तो देखने वाली बात है कि जब हम किसी वाक्य में संयोजक शब्द का इस्तेमाल करके दो पदों को जोड़ने का काम करते हैं या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, ठीक है, जिसे संयोजक शब्द कहा जाता है। दूसरी बात कि जब हम किसी क्रिया विशेषण का प्रयोग, एक अव्यय शब्द का प्रयोग दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए कर रहे होते हैं, तो ऐसे वाक्यांश जो जुड़ रहे होते हैं उसे उपवाक्य कहा जाता है। तो जब मुख्य वाक्य से कोई उपवाक्य जुड़ रहा हो तो ये उपवाक्य अपने अर्थ के आधार पर पांच प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इस तरह देखा जाए तो तुम बालोद जाओ कह रहा है, इसमें हमारा कौन सा उपवाक्य है, क्या संज्ञा, क्या विशेषण, क्या क्रिया विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो समझने वाली बात है, बालोद एक संज्ञा शब्द है, बालोद एक संज्ञा शब्द है। तो जब किसी वाक्य का पहला और अंतिम शब्द संज्ञा वाला हो और पूरा वाक्य उस संज्ञा पर आश्रित होता है तो वहां संज्ञा उपवाक्य होते हैं, ठीक है। जब सर्वनाम पहला शब्द हो और अंतिम शब्द भी सर्वनाम हो और पूरा वाक्य सर्वनाम पर आधारित होता है तो सर्वनामिक उपवाक्य होते हैं। इसी प्रकार विशेषण पर आधारित है तो विशेषण उपवाक्य होते हैं, क्रिया पर आधारित हो तो क्रिया उपवाक्य होते हैं, और अव्यय या अविकारी पर आधारित हो तो अव्यय या अविकारी उपवाक्य होते हैं। यहाँ कह रहे बालोद जाओ, तो संज्ञा शब्द है बालोद, इसलिए तुम बालोद जाओ कह रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा, संज्ञा उपवाक्य। ये सारी चीजें बेटा आप आई बटन को जब क्लिक करेंगे ना तो वहां आपको एक लिंक मिलेगा जहां ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है अत्यंत, आजकल, कदाचित या बाहर, ठीक है। इसमें से रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है, रीति का मतलब होता है कार्य करने का ढंग, तरीका, कायदा, तो ऐसा वैसा जैसा तैसा कैसा, ध्यान से, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, पूर्ववत कहता है। इसी प्रकार अगर सरासर कहता है, फौरन कहता है, तत्काल कहता है, झट से, फट से कहता है, ना नहीं कहता है, हाँ ठीक, तक, भर, जो, क्यों, किस लिए, इसलिए कहता है, ये सब हमारे लिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब अगर हम अत्यंत कहते हैं तो इसका मतलब है मात्रा, इसी प्रकार अगर हम आजकल कहते हैं तो इसका मतलब है समय, और इसी प्रकार बाहर कह रहे हैं तो वो है स्थान। लेकिन अगर वो कदाचित कहता है, यह कार्य करने का तरीका होता है, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर सी कदाचित में है। अगला, दिशा बोधक शब्द का चयन कीजिए, कारण और अनुसार योग्य। अब दिशा बोधक किस में आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो जहां किसी क्रिया की विशेषता स्थान के आधार पर बताता है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। यहाँ, वहां, जहां, तहां, कहां, अंदर, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, उत्तर, दक्षिण, इधर, उधर, करीब, पास, नजदीक, समीप कहता है, या अन्यत्र कहता है, सर्वत्र कहता है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। इसी एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हमारे लिए दिशा बोधक भी होते हैं। दिशा बोधक में हम इधर, उधर, जिधर, किधर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इन सभी शब्दों को हम दिशा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्थिति, यहां, वहां, जहां, तहां, कहां कहते हैं, ये सब हमारे लिए स्थितिवाचक हो जाते हैं। प्रश्न ने पूछा दिशा बोधक, दिशा बोधक कह रहे तो कारण और अनुसार योग्य कह रहा, तो हम दिशा किस ओर गया होगा, इस ओर गया होगा, तो ऑप्शन आएगा हमारे लिए ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में से स्थान बोधक शब्द को चुनिए, निमित्त, अतिरिक्त, भीतर या बदले, ठीक है। अब स्थान बोधक मतलब कि कार्य करने का स्थान का जो बोध कराता है, तो निमित्त का मतलब होता है
आपका इसके जैसा, इसके वास्ते, इसके बदले, इसके निमित्त, इसके सहारे जो कहते हैं ना, ये तरीका होता है। इसके अतिरिक्त कहते हैं तो हम यहाँ पर व्यतिरेक बताते कि इसके अलावा, इसके बगैर, ठीक है। जब हम बदले कहते तो इसके बदले कहते हैं, इसके बदौलत कहते हैं। लेकिन अगर हम स्थान कहते हैं तो इसके भीतर, है ना, तो ये हमारे लिए स्थान वाचक क्रिया विशेषण में स्थान बोधक शब्द है आपका भीतर। अगला प्रश्न, अब यहां से आता है आपका समुच्चय बोधक, है ना। इस समुच्चय बोधक को क्या कहा जाता है, संयोजक शब्द। समुच्चय बोधक को कहा जाता है संयोजक शब्द, इसे हम कंजक्शन वर्ड्स कहते हैं। दो शब्द पदों को या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द पद को समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक शब्द के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, इसी समुच्चय बोधक अव्यय के जो एग्जाम्पल होते हैं वह आपके कपलेटिव कंपाउंड यानी कि द्वंद्व समास में लिए जाते हैं। जो आपने एडवर्ब पढ़ा, ये आपके एडवर्ब जो है एडवर्बियल कंपाउंड यानी कि अव्ययी भाव समास के उदाहरणों का निर्माण करता है। प्रश्न क्या पूछता है, समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद हैं, क्या ये दो प्रकार के होते हैं, क्या ये तीन होते हैं, क्या ये चार होते हैं, क्या ये पांच होते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय जिसे संयोजक कहते हैं वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारे लिए समानाधिकरण संयोजक, ठीक है, एक होता है समानाधिकरण संयोजक और दूसरा होता है हमारे लिए व्यधिकरण संयोजक, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, समानाधिकरण क्या होता है, समान स्तर और समान प्रभाव वाले शब्दों को जोड़ने वाला। तो समान स्तर, अधिकार और समान प्रकार के शब्दों को जोड़ने प्रभावी शब्दों को हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और दो शब्द पदों को जोड़ तो रहा है परंतु दो उपवाक्यों को या मुख्य वाक्य से उपवाक्य को जो जोड़ता है उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद हो गए बेटा, दो, समानाधिकरण और व्यधिकरण, ठीक। अब कह रहा है कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक के कितने उपभेद हैं, अब ध्यान समझेगा, संयोजक शब्द के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। लेकिन समानाधिकरण संयोजक के कितने भेद हैं, तो समानाधिकरण संयोजक के चार प्रकार के उपभेद माने जाते हैं, ठीक है। जहां पर हम समान स्तर, अधिकार और प्रभाव वाले शब्दों को जोड़ते हैं वो समानाधिकरण संयोजक होते हैं, जिसके चार उपभेद होते हैं। एक होता है हमारे लिए आपका संयोजक जो ओनली एडिशन का काम करता है और एवं तथा, ठीक है। दूसरा होता है हमारे लिए विभाजक, ठीक है, एक होता है हमारे लिए विभाजक। तीसरा होता है हमारे लिए विकल्प बोधक, विभाजक को हम विरोध सूचक भी कहते हैं, ठीक है। और चौथा होता है हमारे लिए परिणाम बोधक। अब ये कैसे होते हैं, ठीक है, संयोजक का मतलब होता है केवल एडिशन और एवं तथा की, ये केवल एडिशन है। विभाजक या विरोध सूचक, जहां हम क्या करते हैं, जहां पर हम एक प्रकार का प्रयोग करते हैं, ऐसे पदों का प्रयोग करते हैं ना, दो शब्द पदों में एक विभाजक विरोध का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, परंतु, किंतु, अगर, मगर, है ना, ये ऐसे शब्द होते हैं। विकल्प का मतलब होता है जब हम एक को चूज कर लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं, या अथवा चाहे। और परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि अतः, वस्तुतः, परिणामतः, फलतः, ऐसे शब्द से इसको जोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार उपभेद होते हैं, जो सिर्फ जोड़ने का काम करता है संयोजक, जहां पर विभाजक या विरोध का काम करता है विरोध सूचक, जहां पर विकल्प के तौर पर एडिशन होता है विकल्प बोधक, और जहां पर आपकी अंततः परिणाम बताया जाता है परिणाम बोधक कहलाता है। अगला, समान अधिकार व स्तर वाले शब्द का या उपवाक्यों का या वाक्यांशों को जोड़ने वाला अव्यय क्या कहलाता है, क्या यह समानाधिकरण समुच्चय है, क्या व्यधिकरण समुच्चय है, क्या विरोध सूचक है, क्या विकल्प बोधक है। मैंने पहले ही बताया कि समान अधिकार, स्तर और प्रभाव वाले शब्द को जोड़ने वाले उस अव्यय या अविकारी शब्द को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। लेकिन एक मुख्य वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने वाले व्यधिकरण को के नाम से पुकारा जाता है। जहां पर एक वाक्य का दूसरे वाक्य से पूरी तरह विरोध या आपका विकल्प विरोध दिखाया जाए वहां पर विरोध सूचक होगा, और विकल्प के तौर पर जहां चयन कर लिया जाए वहां पर विकल्प बोधक होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको उस लेक्चर वीडियो में मिलेगा जिसका लिंक आपको दिख रहा होगा, तो वहां जाएंगे तो विथ एग्जाम्पल आपको वहां देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, और एवं की, यदि किस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्द हैं, क्या यह रूढ़ समुच्चय है, क्या यह समानाधिकरण समुच्चय है,
या व्यधिकरण समुच्चय है, ए और बी दोनों। ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय जो हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वो क्रिया विशेषण हो, चाहे वो संबंध बोधक हो, चाहे संयोजक शब्द है, ऐसे शब्द हैं जो अपने मूल या रूढ़ अवस्था में होते हैं, तो रचना के आधार पर जिनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, अपने मौलिक या रूढ़ रूप में होते हैं, वो रूढ़ क्रिया विशेषण, रूढ़ संबंध बोधक या रूढ़ समुच्चय बोधक कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें किसी प्रत्यय को लगाकर या शब्द को जोड़कर अगर हम उसका प्रयोग बनाते हैं तो यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएगा, वैसे ही हमारे लिए यौगिक संबंध बोधक हो जाएगा और वैसे ही हमारे लिए यौगिक समुच्चय बोधक हो जाएगा, ठीक है। यहां पूछा है और एवं की यदि, ये चार किस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्द हैं, इनका जब प्रयोग किया जाता है, माता और पिता, देश एवं विदेश, मेहनत करो और परिणाम प्राप्त करो कहता है ना, उसी प्रकार के साथ मोहन कहता है कि वह जाना चाहता है, मैं जाऊंगा यदि तुम मुझे जाने दो, तो ये ऐसे क्रिया विशेषण के शब्द हैं जो अपने रूढ़ रूप में हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है क्योंकि ये संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण के तौर पर प्रयोग होते हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, या चाहे अथवा शब्द किस प्रकार का समुच्चय बोधक शब्द है, क्या यह संयोजक का काम कर रहा है, क्या यह विकल्प का काम कर रहा है, क्या यह विभाजक का काम कर रहा है, क्या यह परिमाण का काम जो है वो कर रहा है। या अथवा चाहे ये ऐसे क्रिया विषय आपके समुच्चय बोधक अव्यय है जो शब्द को जोड़ तो रहा है परंतु एक को चूज करेगा, एक को छोड़ देगा, मतलब कि विकल्प के तौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। मोहन या सोहन, सुख चाहे दुख, है ना, लाभ अथवा हानि, तो यहां पर हम विकल्प का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहां पर विकल्प बोधक अव्यय होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, परिणाम बोधक समुच्चय सूचक शब्द नहीं है, अन्यथा इसलिए लिहाजा एवं। अब परिणाम का मतलब क्या होता है, जब किसी वाक्य में ऐसे संयोजक का प्रयोग किया जाए जहां क्रिया के परिणाम का बोध कराया जाए, यानी कि पहला वाक्य के परिणाम के तौर पर दूसरा वाक्य जब उससे जुड़ा होगा, यानी कि पहले वाक्य को जब दूसरे वाक्य से जोड़ा जाएगा तो पहले वाक्य के परिणाम के तौर पर दूसरा वाक्य उस पर जुड़ा होगा, इसलिए देखा जाए तो परिणाम बोधक समुच्चय सूचक शब्द नहीं है। तो ये जो एवं है यह सिर्फ संयोजक का काम करता है, देश एवं विदेश, है ना, उसी प्रकार हम कह सकते हैं माता एवं पिता, राजा एवं रानी, तो सिर्फ एडिशन है, लेकिन अन्यथा कहते हैं, मेहनत करो अन्यथा परिणाम प्राप्त नहीं होगा, मैंने तुमसे कहा लिहाजा तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसी प्रकार मैंने कहा था तुमने नहीं माना इसलिए इसका नतीजा ऐसा हुआ, यह हमारे लिए आपके परिणाम बोधक है। लेकिन एवं शब्द है यह केवल संयोजक का काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी परिणाम सूचक का शब्द नहीं है। विभाजक सूचक समुच्चय शब्द है परंतु किंतु लेकिन सभी, विभाजक का मतलब क्या होता है, विरोध सूचक, है ना, विभाजक का मतलब होता है विरोध, यानी कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य का क्या बताया जाए, विरोध बताया जाए। क्षितिज दौड़ा तो मगर रास्ते में ही गिर गया, मैं घर की ओर चला परंतु मैं रास्ता भटक गया, तो ऐसे शब्द जो विभाजक या विरोध का प्रयोग करते, परंतु, किंतु, अगर, मगर, लेकिन, है ना, ये सब आपके जो है वो समुच्चय बोधक में विभाजक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट वन, मेहनत से पढ़ो वरना जिंदगी भर पछताओगे, वाक्य में किस प्रकार का संयोजक है, क्या यह संयोजक बोधक है, क्या यह विभाजक बोधक है, क्या परिणाम बोधक है कि विकल्प बोधक है, क्या कह रहा है, मेहनत से पढ़ो वरना जिंदगी भर पछताओगे, तो क्या बता रहा है हमारे लिए, ये आपका परिणाम बता रहा है, यानी कि एक मुख्य वाक्य का जो अर्थ होता है उसका परिणाम जो होता है वो दूसरे वाक्य के द्वारा होता है, इसलिए अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर परिणाम में अतः, फलतः, परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, अतः, इसलिए, ऐसे शब्द का प्रयोग जो है वो करते हैं, वरना कहते हैं, तो मेहनत से पढ़ना वरना जिंदगी भर पछताओगे, तो परिणाम बोधक का इस्तेमाल है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर, शिक्षक ने कहा कि परिश्रमी छात्र ही सफल होते हैं, वाक्य में किस संयोजक का उदाहरण है, क्या यह समानाधिकरण है, क्या व्यधिकरण है कि परिणाम बोधक है, कोई नहीं। अब देखिए मैंने क्या बताया, जहां सिर्फ एडिशन है
तो वहां पर संयोजक शब्द में समान स्तर और अधिकार वाले हैं तो समानाधिकरण होंगे। लेकिन जब एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करता है तो वहां पर हमारे लिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग होता है। तो जब हम मिश्र वाक्य का निर्माण करते हैं जहां एक मेन सेंटेंस पर सब सेंटेंस डिपेंड होता है तो वहां पर हमारे लिए तो शिक्षक ने कहा कि परिश्रमी छात्र ही सफल होते हैं, ये एक संयोजक शब्द है परंतु एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, छी धिक, यह किस प्रकार का विस्मय शब्द है? अब देखिए क्रिया विशेषण और आपके संयोजक शब्द हो गए, अब आता है हमारे लिए विस्मयादि बोध है जिसे हम इंट्रोजेक्शन कहते हैं। वक्ता के विस्मय संबंधी बातों का जहां बोध हो, वक्ता के विस्मय, हर्ष, दया, घृणा, चेतावनी, कृतज्ञता, आभार, इन सभी मनोभावों का जहां प्रयोग होता है वहां विस्मयादि बोधक अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं जिसे इंट्रोजेक्शन कहा जाता है। तो छी धिक या किस प्रकार का विस्मय शब्द है? क्या यह हर्ष सूचक है? क्या यह तिरस्कार सूचक है? क्या यह कृतज्ञता सूचक है? क्या यह विस्मय सूचक है? अब देखा जाए तो हर्ष में क्या होगा, वह धन्य हो, जय हो, विजयी हो, है ना, खुश रहो, चिरंजीव रहो, ये आपके हर्ष है, कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार प्रदर्शन। और विस्मय में है अगर कहते हैं तो ये हमारे लिए आपका ओह कहते हैं, है कहते हैं, उफ कहते हैं, ये विस्मय है। लेकिन तिरस्कृत छी अगर हम कहते हैं, है ना, धिक कहते हैं, छी हट दुर कहते हैं, ये हमारे लिए आपका जो है वो आपका जो है तिरस्कार सूचक हो जाता है। अभिवादन सूचक विस्मय शब्द निम्न में से है। अब अभिवादन में हम क्या करते हैं, हम किसी को ग्रीट करते हैं तो क्या कहते हैं, हम प्रणाम करते हैं कि नमस्कार करते हैं कि धन्यवाद देते हैं। तो देखने वाली बात है कि ग्रेट करने के लिए हम अपने से बराबर वालों को नमस्कार के साथ साथ प्रणाम का भी प्रभाव देखने को प्रभाव जो है वो करते हैं, इसलिए आपका ए और बी दोनों। लेकिन धन्यवाद ये कृतज्ञता सूचक है, धन्यवाद और आभार प्रदर्शन ये कृतज्ञता भेंट करने के लिए किया जाता है, अभिवादन के लिए प्रणाम और नमस्कार। अगला संबोधन सूचक विस्मय आदि शब्द किस वाक्य में है? ना संबोधन सूचक विस्मय आदि शब्द किस वाक्य में है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कहता है, अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। उसी प्रकार अहो इधर तो आओ, उसी प्रकार भो मानव ये कैसी दुर्दशा, इसी प्रकार कहता है सभी। तो संबंध बोधक क्या होते हैं, जब हम किसी को संबोधित करते हैं, ए सुनो, अरे है ना, अहो यह हम नाम लेते हैं, भो ये संस्कृत का शब्द है ना, अहो, इसी प्रकार अजी, एजी, ओजी कहते हैं, सुनिए कहते हैं, ये सारे संबोधन के शब्द होते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 29 में संबोधन सूचक विस्मय आदि बोधक शब्द आपके ऑप्शन ए बी सी तीनों में इसकी पहचान क्या होती है कि संबोधन सूचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है और एक विस्मय आदि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग वहां पर किया जाता है। संबोधन के तौर पर कभी कभी हम वहां नाम का भी इस्तेमाल करते, मोहन यहाँ आना तो अगर कहते हैं तो हमारे लिए इसका प्रयोग होता है। अतः क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 कहते हैं स्वीकृति सूचक शब्द है। स्वीकृति का मतलब क्या होता है, जब हम किसी विस्मय का प्रयोग कर रहे होते हैं तो ध्यान समझे कि विस्मय आदि बोधक में कितने हैं, कृतज्ञता है, आभार है, तिरस्कार है, आश्चर्य है, दया, घृणा, शोक, चेतावनी, आपका जो है वो आपके सारे प्रभाव होते हैं। इसी में स्वीकारोक्ति और नकारात्मक प्रभाव भी होता है। तो जब हम किसी चीज स्वीकार करते हैं तो हम क्या कहते हैं, जी हाँ, उसी प्रकार कहते हैं ठीक है, उसी प्रकार कहते हैं सही है, यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर आपका डी। और इस तरह देखा जाए तो आज के लेक्चर वीडियो के माध्यम से क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक से संबंधित सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर हल किया है। अब आप कहेंगे कि हमने संबंध बोधक से संबंधित तो नहीं जाना, तो ध्यान समझे कि संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, जब संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आता है, दूसरे पदों से उसका संबंध बताता है, तब उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। दूसरी बात, संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत जब तक वो क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग हो रहा है तब तक वो क्रिया विशेषण का शब्द है, लेकिन संज्ञा सर्वनाम के तुरंत बाद
आ रहा है और दूसरे पदों से संबंध बता रहा है, तो वही क्रिया विशेषण का शब्द संबंध बोधक बन जाता है। सर्वनामिक शब्द के साथ में उसके विकार उत्पन्न हो जाते हैं और संज्ञा शब्द के बाद में हम का के की लगा देते हैं, उसी प्रकार सर्वनामिक शब्द में इसका, इसके, इसकी, मेरा, मेरे, मेरी कहकर दूसरे शब्द से उसका संबंध जो है वो बताता है। और इस तरह अव्यय भाग दो के अंतर्गत हमने छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से सारे टॉपिक को कवर किया है। अगले लेक्चर वीडियो में लैंग्वेज मंत्रा के नए टॉपिक के साथ मैं आप सबके सामने फिर से आऊंगी। तो यूं ही मेरे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे सभी बच्चों को अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच। और हमेशा की तरह थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू टू ऑल माई बच्चा।